अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चौथी जमात की उर्दू की किताब। इसमें हम अपना दूसरा सबक पढ़ेंगे। दूसरा सबक हमारे पास क्या है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, मतलब आज हम जो है हज़रत उस्मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, मतलब उस्मान गनी जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह था। आपका लकब दूरुन नूरैन था। दूरुन नूरैन मतलब दो नूर वाला। ठीक है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम क्या था, उस्मान गनी, और आपका लकब क्या था, दूरुन नूरैन, मतलब इसका मतलब दो नूर वाला, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद दीगरे आपके निकाह में आई, मतलब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि दो नूर वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो दो बेटियां थी, जिसमें से एक का नाम हज़रत रुकैया था और एक का नाम उम्मे कुलसूम था, एक के बाद जो मतलब एक से निकाह हुआ, फिर उसके बाद दूसरे जो है इनकी निकाह में आई। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ ख़ानदान बनू उमिया से था, मतलब हज़रत उस्मान गनी का जो ताल्लुक़ था वो ख़ानदान बनू उमिया से था। ये ख़ानदान भी कुरैश कबीले की एक शाख है, मतलब उनके कुरैश कबीले जो था उसकी शाख जो है वो, उसका नाम जो है वो बनू उमिया है। आपके वालिद का नाम अफ़ान था। आपका ज़रिया माश तिजारत था, मतलब आपके जो वालिद थे उनका नाम अफ़ान था और आपका जो ज़रिया था कमाने का वो तिजारत था। तिजारत आपको पता ही क्या होती है। आप बहुत बड़े ताजिर भी थे। आप बहुत मामूली मुनाफे पर कारोबार करते थे, मतलब आपका जो तिजारत का काम था वो बहुत, मतलब बहुत बड़े ताजिर थे लेकिन आप मामूली मुनाफे पर कारोबार करते थे। गरीबों बेवाओं मिसकिनों की मदद करते थे। आप बहुत सखी इंसान थे, मतलब आप जो है जो गरीब होते थे, बेवाओं होती थी, मिसकिन होते थे, उनकी मदद करते थे। आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत सखी इंसान थे, आप बहुत दौलतमंद थे, इसीलिए आपको गनी कहा जाता था। गरीब क्या बताया हुआ कि आप बहुत दौलतमंद थे, क्योंकि उन्होंने बड़े ताजिर थे तो आप बहुत दौलतमंद थे, इसलिए आपको गनी कहा जाता था। शर्म हया और नरम मिजाजी आपकी नुमाया सिफाती है, मतलब शर्म हया और नरम मिजाजी, किसी से नरम लहजे में बात करना और शर्म हया, सबकी इज्जत करना, ये आपकी बहुत नुमाया सिफात था। आपने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी दौलत से मुसलमानों की बहुत मदद की। एक मरतबा अरब में सख्त कहर पड़ा, मतलब आपने जो जब इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद आपने जो अपनी दौलत थी वो मुसलमानों की ऊपर खर्च करी, उनकी बहुत मदद की। एक दफ़ा जब अरब में बहुत सख्त कहर पड़ गया, मतलब बहुत किल्लत पड़ गई राशन की, मुसलमान भी इस कहर से मुतासर हुए, मतलब वहाँ जो मुसलमान थे वो भी इसका शिकार हुए, भी मुतासर हुए। आपने गल्ले से लदे हुए 1,000 ऊँट मुसलमानों में मुख्तसीम किया, मतलब वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी दौलत से जो है गल्ले से, मतलब अनाज से लदे हुए 1,000 ऊँट जो है मुसलमानों में तकसीम किया। 9 हिजरी के ज़माने में मुसलमानों के पास जंगी साजो सामान खरीदने के लिए माली वसाइल ना होने के बराबर थे, मतलब जब 9 हिजरी में जो है ज़माने में मुसलमानों के पास जो है वो जंगी साजो सामान नहीं था जंग लड़ने के लिए, तो बहुत उनके माली वसाइल बहुत नहीं थे इस तरह के वो ख़रीद सकें। तो इस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक तिहाई लश्कर के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी कबूल करने के अलावा 1,000 ऊँट, 70 घोड़े और 1,000 दिनार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, मतलब जब, तो इस मौके पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने एक तिहाई लश्कर के जब तक जितने भी अखराजात थे उसकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई कि वो कब उठाएंगे, उसके अलावा 1,000 ऊँट, 70 घोड़े और 1,000 दिनार आप की खिदमत में पेश किए कि उससे जाके मुसलमान की मदद हो सके। आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पहले हबशा हिजरत की और कुछ अरसे बाद मक्का वापस आ गए, मतलब आपने जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो है पहले हबशा हिजरत करी, फिर उसके कुछ अरसे बाद ही आप मक्का वापस आ गए, फिर मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। पहले हबशा गए, उसके बाद वापस जो है मक्का वापस आए, फिर उसके बाद फिर मक्के से मदीने की हिजरत फरमाई। मदीने में मीठे पानी का एक ही कुआं था जिसका मालिक एक यहूदी था और वो अपने कुएं के पानी को कीमतन पर ऑफर करता था, मतलब मदीने में जो है मीठे पानी का कुआं था जिसका जो मालिक, उसका जो मालिक था वो एक यहूदी था और वो जो है अपने कुएं का पानी जो है वो मतलब कीमत लेकर फरोख करता था, तो पानी की कीमत लेता था फिर पानी देता था। मुसलमान इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे क्योंकि मुसलमानों को आपको पता था कि माली वसाइल सही नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने 20,000 दिरहम में वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जब मुसलमान उन्होंने हज़रत उस्मान गनी ने देखा कि मुसलमान बहुत परेशान है तो उन्होंने जो है 20,000 दिरहम जो है वो उस देकर और वो कुआं जो है वो ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया कि जब मुसलमानों को पानी की ज़रूरत होगी वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। और मतलब उस वक्त फिर पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो तो पैसे देकर पानी देता था लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने 12 साल तक हुकूमत की, मतलब उस्मान गनी ने 12 दिन नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक हुकूमत करी। आपके दौर हुकूमत में मुसलमानों ने बहुत तरक्की की, बहुत से इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए। आपने इस्लाम की तबलीग के काम को आगे बढ़ाया। आपने कुरान मजीद के किताबी शक्ल में तरतीब दिया, मतलब उस्मान गनी ने जो है 12 साल तक हुकूमत करी। आपने आपके दौर हुकूमत में मुसलमानों ने बहुत तरक्की करी और आपने मुसलमानों की बहुत मदद करी थी और आपकी मतलब उसमें जो है बहुत से इलाके जो है इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए। आपने इस्लाम की बहुत ज़्यादा तबलीग करी, उसके काम को बहुत आगे बढ़ाया और कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में तरतीब दिया। ठीक है, तो इसमें हमने आज उस्मान गनी के बारे में पढ़ा था। इसको आप अपने घर पर भी पढ़ें, रीडिंग करें इसकी। ठीक है, बाकी इसका जितना भी काम है, ये सारा सवाल जवाब है, सही गलत हैं,
जितने भी इसका काम है वो आपको जो है वो स्कूल से रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, आप लेकर जाएँ अपना काम कम्प्लीट करें। शुक्रिया।